सारे को देखे पाती है जीना उनके बच्चे तो वैसे कहीं जवान तो मर गए और फिर ये उनके गली में लगा दिया। एक मंजिल है सर, ये तक संपत्ति है और अवश्य मकान है जिसमें से भी उधर ये भागीदार है, लेकिन फिर भी अवश्य मकान को भी किराए पर दे दिया गया तो नहीं वैसा नहीं दिया। अब सर 10-15 का आमने सामने मकान है, न तो बच्चे बाहर निकल सकते हैं, न ये औरतें बाहर निकल सकती है, व्यापारी विभाग द्वारा गैर कानूनी ढंग से एक आवासीय मकान को जो पैतृक संपत्ति है चार भाइयों की, उसी को एक के कहने से सहमति से शराब ठेके के लिए परमिशन दी गई है जो गैर कानूनी अवैध है। उसके पास में शनि मंदिर, धार्मिक मंदिर, हमीरपुरा मठ, नानपुर जी का मठ और तीन तीन आंगनबाड़ियाँ संचालित होती है। उपभोक्ता रसद विभाग है जो कोपड़ी सोसाइटी मार्केट का जो रसद का ठेका है वहाँ भी वही वितरण केंद्र है जिसपे 90% जो उपभोक्ता है महिला खरीदने के लिए आती है। वहाँ पे शराब के लिए जो ठेका दिया गया गैर कानूनी नाजायज ढंग से दिया गया है और ये एक आवासीय मकान है और पैतृक संपत्ति होते हुए भी किसी अन्य भाइयों की सहमति नहीं होते हुए भी एक भाई ने नाजायज ढंग से उसको शराब के लिए दिया है वो बिल्कुल गलत है। उसका हम सब विरोध करने के लिए सब महिलाएँ और व्यक्ति सब पड़ोसी इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देंगे, नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देंगे। उनके बाद अगर हमारे हक में फैसला नहीं होता है आगामी दिनों में सब बड़ा संघर्ष करने के लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ये हमारी मांग है। अगर ये सही कार्यवाही हो जाती है और हमको ऐसे लाभ मिल जाता, न्याय मिल जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। न्याय नहीं मिला तो न्याय के लिए हम आखिरी उम्मीद तक लड़ते रहेंगे। इसके लिए हम जो राज्य सरकार के नियम अनुसार यहाँ वोटिंग भी कराएंगे, शराबबंदी के लिए वोटिंग होती है, उस वोटिंग को भी कराने के लिए प्रयासित है और करा करके किसी हालत में इन ठेकों को बंद कराएंगे। इसे हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम इससे पहले सड़कों पर नहीं उतरे थे, आज जो शांतिपूर्ण ढंग से हम पहले प्रशासन को सूचित करते हुए इसमें हमने लिखा है अगर एक दिन में दो दिन में हमें न्याय नहीं मिला तो मजबूरन और भी हमको सड़क रोकनी भी पड़ सकती है और धरना प्रदर्शन करके आत्मदाह तक हम कदम उठाने के लिए तत्पर है। इसीलिए शांतिपूर्ण ढंग से आज हमने प्रदर्शन किया है। समस्त अधिकारी प्रशासन आबकारी अधिकारियों को ज्ञापन देंगे, अगर हमारी मांगे नाजायज नहीं मांगी गई तो हम प्रदर्शन करके धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी रास्ते भी रोकेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। ये हमारा अल्टीमेट है।